आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और हॉलीडेज इंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं आपके लिए एक मेडिट्रेनियन साइड डिश लेके आई हूँ, जो कि है मुतब्बल और बाबा गनूश। ये टर्किश भी है, सूरियन भी है, और ये साइड डिश है जो कि हर जगह पर हमारे सऊदी अरब में भी यूज़ होती है। तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो है जी एग प्लांट, ये इससे बनती है। तो ये इसको हम रोस्ट करके बनाते हैं। तो रोस्ट करने का तरीका ये होता है कि या तो आप आग पे इसको जला लें, या फिर आप ओवन में इसको बेक कर लें। तो वो थोड़ी देर बेक करने, 10-15 मिनट बेक करने के बाद वो जो होता है सारा सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर इसको हम लोग चॉप करके बना सकते हैं। तो मैं इसको बेक करूँगी। तो ये मेरे पास है ब्रिंजल्स या एग प्लांट, जो भी आप इसको कह लें। इसको हम अब इस तरह से इसके अंदर कट लगा लेंगे, ताकि जब इसको हीट अप हो तो सारा ओवन को गंदा ना करें। इस तरह सारों पे मैंने कट लगा लिए। ये मेरे पास कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम। अगर रेड नहीं है तो आप ना लें, ग्रीन ही ले लें। ये ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट वाली नहीं होती, ये मैंने ली हैं। और ये टमाटोज, इन तमाम को मैं ओवन में रख के अब बेक कर लेती हूँ। उसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया। और उसके अलावा जो हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उसमें ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, क्यूमन रोस्टेड, पेपरिका पाउडर स्मोक्ड, और रोस्टेड कोरिएंडर। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है आपके पास, ये हॉट वाला है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं, या आप दूसरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरिएंडर रोस्टेड, चॉप्ड अनियन, गार्लिक चॉप्ड, पोमग्रेनेट सीड से, और ये मेरे पास है पोमोग्रेनेट मोलाइसिस, जो कि इसमें जाएगा। और ये तहीनी सॉस, तहीनी जो है वो से बनाई जाती है, तो ये पाकिस्तान में भी मिलती है, अगर आप लोग लेना चाहें तो बनी बनाई ये पेस्ट मिल जाती है तहीनी सॉस की। मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, अब जब वो रोस्ट होके बाहर आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके बताती हूँ। ये देखिए, मेरी तमाम जो वेजिटेबल थी वो मैंने बेक होने के लिए रखी थी, वो बेक हो गई हैं। ये बिल्कुल थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऊपर से कवर कर देती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छी सी अपनी ही भाप में थोड़ी और नरम हो जाएं, और ये बड़ी आसानी से इसका छिलका फिर अलहदा हम कर। ये देखिए, मैंने इसको एक क्लिंग फिल्म से कवर कर देती हूँ। अब मैंने डिश में निकाल दिया, ताकि ये थोड़ी देर इसी की भाप में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, और इसका छिलका जो है ऊपर से नरम होके हम आसानी से अलहदा कर सकें। करके रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के बाद ये अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इनमें से बारी बारी इनको ऑफ करके आपको चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने कैप्सिकम लिया रेड वाली, इसका ये देखें छिलका कितना इजीली रिमूव हो रहा है ऊपर से, जो इसको पील ऑफ कर रही हूँ मैं, कितनी इजीली ये रिमूव हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं, साइड से पील ऑफ हो गया। अब मैं इसमें से कट करके इसमें से सीड्स रिमूव करती हूँ, कर देती हूँ। अभी कितना गर्म है, तो किचन टावल से आप इसके अंदर का जो मॉइस्ट है इसको साफ कर लीजिए। इसको बस अब हम चॉप कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज, तरह हम बिल्कुल अच्छी तरह चॉप कर लेंगे।
मैं पहले बाबा गणूश आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको मुतब्बल बनाती हूँ। अब मैं एक बाउल में ये जो मेरे पास एग प्लांट है वो मिक्स कर रही हूँ। ये ग्रीन कैप्सिकम जो कि मैंने रोस्ट की, ये ग्रीन चिलीज, ये रेड कैप्सिकम और ये टमाटर, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना। चॉप्ड वो मैंने डाल दिया, अनियन चॉप्ड, टमाटरों अवेलेबल है या पार्सली अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है वो डाल दें इसमें। ब्लैक पेपर डाला है, अब थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर, कोरिएंडर रोस्टेड, क्यूमन रोस्टेड, चिली फ्लेक्स, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा सुमक पाउडर और सॉल्ट, अब इनको मिक्स कर देते हैं। ये अब मेरा रेडी हो गया है। अगर आपके पास सुमक पाउडर नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आप अनारदाने का पाउडर ले लें, अनारदाने को अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में डाल के उसको बना सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें, मेरे पास पोमोग्रेनेट मोलासेस है, ये मेरा रेडी है। अब मैं आपको मुतब्बल बना के दिखाती हूँ। ये अब मैं मुतब्बल बनाने के लिए, ये जो मैंने एक प्लांट था उसको मैंने अच्छी तरह चॉप करके ये डाल ली। ये देखें, अब मुझे चाहिए ग्राउंडेड अच्छी तरह गार्लिक, लेमन जूस, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, तहीनी सॉस, वो मैं डालती हूँ। तहीनी सॉस है, टिक्की सॉस होती है, मैंने इसमें डाल दी। तो अच्छी तरह अब मैं मिक्स कर देती हूँ। सॉल्ट इसमें हाफ टेबल स्पून। अब मेरा जो है मुतब्बल पूरा रेडी है। अब मैं इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। ये ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें, पक पाउडर, मिंट लीव और ये जो है पोमोग्रेनेट सीड्स। चलें जी, ये रेडी हो गई, बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई हैं। और आप देखें कि ये देखने में भी बहुत अच्छी हैं और टेस्ट इससे भी ज़्यादा मज़े का है इसका। आप मेरे स्टाइल से इनको कॉपी कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप जितनी भी मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे आपको कभी भी कोई ऐसी रेसिपी नहीं लगेगी जिसमें कोई टेस्ट आपको अच्छा ना लगे, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। मेरी अल्लाह की इससे दुआ होती है कि जब भी मैं रेसिपी बनाऊं तो मैं अपने चाहने वालों को बहुत अच्छी रेसिपी दूं जो कि फूल प्रूफ हो। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, आप इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त आप इस पे आपको डाउट नहीं होगा कि ये अच्छी नहीं बनेगी। चलें जी, आज भी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह तआला फिर आपके पास आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।